नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। क्या होगा अगर आपका इन्वर्टर जो है 300 साढ़े 300 वोल्टेज आउटपुट करने लगे? तो अगर आपका इन्वर्टर 300 साढ़े 300 वोल्टेज आउटपुट करने लगेगा तो जाहिर सी बात है आपके बल्ब फ्यूज़ होने लगेंगे, आपके फ़ैन जो होंगे वो ख़राब होने लगेंगे, या इन्वर्टर से जो भी कनेक्टेड होगा वो ख़राब हो ही जाएगा। आज मैं बताऊंगा, एक मेरे पास माइक्रोटेक का इन्वर्टर है जिसका वोल्टेज जो है 300 साढ़े 300 340 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, तो उसको कैसे फिक्स करें जो है 220 या 240 250 के अराउंड इसका वोल्टेज हो जाए। नहीं तो 350 वोल्ट पे अगर आप कोई भी चीज़ चलाएंगे तो आपका वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस परेशानी को देखते हैं कैसे ठीक करते हैं आगे के वीडियो। दोस्तों, मैंने ये माइक्रोटेक इन्वर्टर जो है बैटरी से कनेक्ट किया है और इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जो है इसके आउटपुट में कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि 340-341 के अराउंड इसका वोल्टेज है। इस वोल्टेज पर अगर कोई भी चीज़ हम चलाते हैं तो वो जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो इस इन्वर्टर को हमें ठीक करना है, वो कैसे ठीक करेंगे आपको मैं इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊँगा, आप वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले जो है आप इन्वर्टर को खोल लें स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जो कि मैंने यहाँ पे खोल रखा है। आप इन्वर्टर को खोलेंगे और आपको जो है ये बोर्ड जो है आप देखेंगे, ये बोर्ड वाला यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे रिले देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 3 रिले हैं। इस रिले में जो है कोई एक रिले जो है फंस गया है, उसी के वजह से जो है ये इन्वर्टर जो है आपका वोल्टेज जो है ज़्यादा, मतलब कि ओवर वोल्टेज जो है आ रहा है इसकी वजह से। तो हम किसी भी लोहे के सामान या कोई भी हेवी चीज़ हो या आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर हो उसी की मदद से आप जो है इस दोनों रिले को हल्का सा ठोक लें, ये वाला रिले और ये रिले, दोनों रिले, और उसके बाद जो है आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें आउटपुट में। आप देखेंगे कि आपका वोल्टेज जो है नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों 240 के अराउंड आपका वोल्टेज जो है आ गया। तो इस तरह से आप जो है अगर आपका वोल्टेज जो है हेवी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने इन्वर्टर को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।